वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सभी। और भाई इस व्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से हो रही है जहाँ से लास्ट व्लॉग खत्म हुआ था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था जो अपना हेलमेट था उसका ये थोड़ा सा सीन जो सेट नहीं था, मतलब अभी इसका एंगल आपको ऐसे दिख रहा है बट मैंने इसका स्लोप ऐसे कर दिया था जिससे कि व्यूइंग एंगल काफी गलत पड़ रहा था मोटो व्लॉगिंग करते टाइम। और ये मैंने फोन का सेटअप किया भाई, कोई गोप्रो वोप्रो का सीन है नहीं जो जिससे वीडियो बना रहा हूँ इसी फोन से शूट करते टाइम। तो अभी कैमरे का क्या सीन है ना यार, गाँव के अंदर आपको पता है अगर कैमरा ऐसे हैंड में लेके फिर आना ऐसे ऐसे करता करता या मतलब कैसे भी मान सकते हो तो काफी दिक्कत हो जाएगी। फोन थोड़ा सा हो जाता है, चलो फोन लेके घूम रहा है नॉर्मल में आ जाता है। प्लस अभी का सीन आज करंट लिए मैंने अभी जस्ट गेम वेम खेल के जस्ट हटा था, थाली खाली फ्री हुआ था। अभी अपने को कैमरा इसके अंदर अटैच करना है और थोड़ा सा बाइक घुमा के लेके आनी है। घुमा के क्या लेके आनी है, काफी दोस्तों फ्रेंड्स से मिलवाते हैं आज आप सभी को। लॉकडाउन में यार एक दो बार ही मिले हैं तो इतने ज्यादा इतना मिलना नहीं हुआ था, तो आज जाके आ रहे हैं। अपना काम वाम मैंने निपटा दिया, एडिटिंग का काम है वो रात को आके करूंगा। देखते हैं कितना टाइम, घंटा भी निकल सकता है, 2 घंटे भी निकल सकते हैं, 5 घंटे भी निकल जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी करंटली दोपहर के 2 बजे में, देखते हैं कब तक होता है। अभी निकलते हैं हेलमेट पे मोटो व्लॉगिंग का सेटअप करके। और चलने से पहले एक छोटी सी दिखानी चीज भूल गया, ये एक नया प्रोडक्ट आया ये अपना इसी मोटो व्लॉगिंग से सेटअप से। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर तभी कह रहा हूँ भाई लास्ट व्लॉग देख लो पहले, उससे आप इस व्लॉग को थोड़ा सा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बिकॉज अब मैंने एक मतलब व्लॉगिंग की इसी टाइप से सीरीज स्टार्ट कर दी कि लाइक धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी तो ओल्ड व्लॉग देखोगे तो सीरीज अच्छे से समझ आ जाएगी। इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, फट जा। चलो गाइस, मैंने हेलमेट में ही अपना कैमरा टांग के मतलब एक मान एक तरह से ट्राइपॉड बना चुका मैं इस चीज़ को, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये क्या है मोटो व्लॉगिंग में, मैं अच्छे से आपको इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है छोटा माइक, लाइक मेरे पास पहले बोया BY-MM1 है और ये सिर्फ 150 रुपये का माइक है, ज़्यादा बड़ा माइक नहीं है गाइस, तो समझ लेना ऐसा नहीं है कि मैंने कोई, ये थोड़ा सा साइज में छोटा है। प्लस इसको क्या चाहिए ना, लाइक डायरेक्ट मेरा फ़ोन है 1+7 Pro, आपको मैंने ऑलरेडी भी बता चुका है, बताया हुआ है, तो उसको क्या है ना उसमें टाइप सी वाला सीन लगता है, Type-C2। एक मैंने 3.5 mm का ऑडियो जैक मंगवाया वो इसके अंदर ऐसे डलेगा। उसके बाद ये वाला माइक मैं हेलमेट में कहीं पर अटैच कर लूँगा जिससे आपको साउंड की क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी मोटो व्लॉगिंग करते टाइम। वैसे नॉर्मली तो सब कुछ चलता ही है, तो चलो सब इसको छोड़ देते हैं, आके देखते हैं इसका क्या सीन है एक बार यहीं पे। देखो आज आड़ो सही है, आठ को नहीं पहली नो थोड़ा सा स्लोप भी टेड हो गया था, मोबाइल तो बड़ो होगा इसका ऊपर बटन आ जाए फिर पास बंद हो जाए नहीं हो। देखा अभी तो डिगाओ जाऊँ मैं काम तो काम पे थोड़ी काम तो। चलो लेट्स गो गाइस, आज देखते हैं क्या सारा सीन है, बता देना बस तुम लोग। मैंने तो इसका पूरा सेट, साउंड का मेरे को नहीं पता, बस बाकी सब सेट है। वीडियो भी मैंने करके देख ली, बिल्कुल ओके, रिपोर्ट रिकॉर्ड हो रही है। फाइनली चल पड़े हैं अपने सफर पे, कैसा है ये सफर। और अभी भी मेरे को नहीं पता आपको कैसी साउंड आ रही है, मैं पूरा जोर लगा रखा है मैंने, मतलब जितना मैं लेके आया हूँ घर से बोलने के लिए, बिकॉज अभी माइक का सेटअप नहीं है। थोड़ा सा माइक का सेटअप होने के बाद तो ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं पड़ेंगी, बट अभी करंटली है तो दिस इज द थिंग। बाकी मेरे हिसाब से सही आ रहा है यार, व्यूइंग एंगल बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला, मैंने पिछली बार गलती कर दी थी उसकी वजह से। चलो गाइस थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेते हैं यार, पेट्रोल की कमी है बिल्कुल ही, सुई नीचे के लिए तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भाई ये चला रहा है अपनी बाइक और अपने साथ आ गया ये, और एक हो गया मैं। अभी 2-3 और रह गए, वो देखते हैं कहाँ जाके मिलते हैं। पीछे यार थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है,
पीछे बैठ के मतलब कभी ब्लॉगिंग की नहीं, आगे बैठ के भी नहीं की, बट हमने पीछे भी नहीं की, तो थोड़ा सा अलग ऑकवर्डनेस हो रही है। कैसी आवाज़ आ रही है इसका भी मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। सब फील हो रहा है अंदर नीले फील आई हुई है मेरे माइंड में, मतलब मैं ही सेलिब्रिटी हूँ घंटा। सभी नहीं देख रहे भाई, नहीं देख रहे क्या? तो सभी देख रहे हैं सेलिब्रिटी वाली फील है, देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है इस माहौल में। जैसा कुछ सीन हो गया यार, रात हो चुकी है, प्लस एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जो मेरा जो माउंट था जिस पे मैंने फोन लटकाया हुआ था अपनी मोटो व्लॉगिंग के लिए, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। आपको घर पे जाके दिखाता हूँ क्या सारा सीन। तो रास्ते में मैंने आपको बताया था कि ये टूट गया आज, तभी तो हैपनिंग निकल के पड़ गया, पता नहीं फोन होल्डर और ये कैमरे के आगे ऐसे लग के ना, मतलब इसके हेलमेट के आगे लग के ऐसे। इतना लेट आएगा? इतना लेट का 7 ही तो बजे। अच्छा अभी 7 ही, मैं नहा के भी आ गया और अभी टाइम बताऊं कितना बजा है, अभी भी 7:33 है। तो सर्दी का मौसम है, अब बीमार हो जाएगा। बीमार एक दिन तो गया हूं, एक दिन में ही हो जाए बीमार, तो पहले से ही बीमार चल रहा था। तो एक दिन में मतलब 7 ही तो बजे है, मैं कभी कभी तो जाता हूँ। ये और टूट गया बताओ क्या, मैंने 2 दिन तो इसको, 1 दिन लगाया वो टूट गया, आज दूसरी बार लगाया। हम सील भी खत्म होने वाली है और मिल जाता लेके आऊंगा, तो कल अगर नहीं जचेगा ये तो अब नया ही मंगवाना पड़ेगा ये वाला। पूरी बजट की टी-शर्ट पहना करो, ठीक है? सिर पे कैप रखा करो। ओके मम्मी जी, ओके ओके, अब काम कर लो। ओके डाक दिया, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। डांट नहीं आए थे तो गाइज, अभी जस्ट आके बैठा था, मतलब रेडी आया था, आते ही नहाया, नहाते ही ऊपर आया, वैसे थोड़ा सा तो लेट हो गया था। सर्दियों के मौसम के हिसाब से लाइक अभी स्टार्ट होगी, बट 7 बजे तक भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और ये एक दुख खबरी थी, और आते ही मम्मी ने और सुना दिया इतना लेट नहीं आना। मम्मियों की तो वही सबके साथ यही सेम सिचुएशन होती है, थोड़ा सा लेट हो जाओ या ये 1-2 दिन में देखना, ये बाल मैंने ना 10-15 दिन पहले कटवाए, 5-7 दिन और हो जाने तो देखना इनकी कहने लग जाएंगी तेरे बाल ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं है, वैसे ठीक नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइज, और अभी काम करते हैं। ये मैंने सारा सेटअप कर लिया पीछे से लाइक कैमरे से, और फेस कैम बनाऊंगा, 1 घंटे का तो कम से कम बनेगा ये वाला काम, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। चलो पहले मैं काम कर लेता हूँ अपना। और ये यार इसके लिए यार कोई मेरे को कुछ सजेस्ट करो यार, कैसे करना चाहिए मेरे को फोन के लिए। देखो GoPro अभी मैं नहीं ले सकता यार, बजट नहीं है, तो बजट इश्यू समझ सकते हो। तो ये फोन के लिए कैसे कर सकता हूँ मैं ये बताओ। मैंने आज क्या, ये 8 बज गए और अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। अब जाके मैंने सारा बंद किया है, कैमरा और लाइट वाइट और बंद कर दिया, और बाद में सो जाना। बिकॉज जो कैमरे की बैटरी है ना चेक करनी भूल गया था, उस टाइम पे मेरे को लग रहा था घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, बट जो कैमरे की बैटरी थी भाई डेड पड़ी थी, तो उसको पहले चार्ज किया, फिर दूसरी बैटरी को चार्ज किया, और उसके बाद इसको ऑन किया ना, क्योंकि बाद में एक बैटरी है ना आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट ही निकालती है मैक्सिमम। आई डोंट नो क्या दिक्कत है इसके साथ, उस वजह से मेरे को पूरा फिर इंतजार करना पड़ा। दोनों बैटरी चार्ज होने में लगाते हैं यही 30-35-40 मिनट, मतलब एक बैटरी का ही टाइम है। तो 1 घंटे इंतजार किया, उसके बाद काम पे लगा, फिर थोड़ा सा तुम समझते हो ना यार मूड एक बार जो होता है ना कि चलो अभी करते हैं, और बाद में एकदम से बदल जाता है थोड़ा सा, तो माहौल चेंज हो गया था। उसके बाद अभी वापस लगाऊं, और अभी वापस क्या, अभी सारा सेटअप करके सोया हूं। एडिटिंग शायद मेरे को सुबह ही करनी पड़ेगी, बिकॉज यार 12 बज गए, इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता। तबीयत तो ऐसे ही डाउन चल रही थी पहले ही, और ज़्यादा लेट करवाना तो दिक्कत और बढ़ जाएंगी, मेरे को नहीं लेनी और दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद जय भारत, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और देना, तब तक के लिए।